चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं यहाँ पे वास्तु करने आया था। ये एक फार्म हाउस है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वास्तु जो है करने के लिए कई सारे सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें करी हैं, तो आई वुड लाइक टू शो यू आप। अभी जो ये प्रॉपर्टी है, ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, ये आधा बना हुआ है। और इस प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले एंट्रेंस को कवर किया है, ठीक है। अभी एंट्रेंस में मैं अभी एंट्रेंस दिखाता हूँ आपको। लेट मी जस्ट स्विच इट टू द एंट्रेंस, है ना। एंट्रेंस में आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ नॉर्थ साइड एंट्री, है ना। और इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने अभी एंट्रेंस पे यहाँ पे एक रेमेडी करी है। दिस इज़ अ स्पेशल रेमेडी। जब हम इस तरह की कोई भी रेमेडीज़ करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये स्पिरिचुअली प्रॉपरली हम कनेक्टेड हैं, और उसके बाद जो हम रेमेडीज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर इफेक्ट में आए, इसलिए सही प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इसको रेमेडी किया, जो एंट्रेंस है। एंट्रेंस यहाँ पे मल्टीपल साइड है, ठीक है, मल्टीपल साइड है। और जो एंट्रेंस सही नहीं होता, उस एंट्रेंस को हमें ब्लॉक करना होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे बैक साइड में एक और एंट्रेंस है, जो कि हमें बिल्कुल भी वास्तु के हिसाब से वो ठीक नहीं है। नॉर्थ साइड का है, तो यहाँ पे साउथ में एक एंट्रेंस ओपन है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो एंट्रेंस आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे ओपन है। इस एंट्रेंस को हमने पूरी तरह से इसको ब्लॉक करा रहे हैं, ठीक है। और जो कि ये ब्लॉक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वास्तु में प्रॉपर देखने के बाद ही हो सकती हैं। तो अब ये देख पा रहे हो, ये एरिया दीवार जो है ये नीचे हो रखा है, तो ये भी बहुत बड़ा एक वास्तु डिफेक्ट है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बट दे रियली इम्पैक्ट अलॉट। दूसरी बात है, जब भी आप देखेंगे, हम यहाँ पे जो वास्तु करते हैं, हम स्पेशली एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हुए करते हैं, जिसे हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। और इसमें कई सारे रेमेडीज़ की जाती है। हम जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये आप मेरे पीछे ईस्ट देख पा रहे हो, ठीक है। मैं इसको स्विच करता हूँ एक बार, ओके। तो आप देखो, ये कितना बड़ा एक पेड़ है, ठीक है, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में इस्टेब्लिश्ड है, और ये पूरी तरह से ईस्ट डायरेक्शन को कवर करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप चीज़ समझ के देखो कि अगर मुझे ईस्ट का पॉजिटिवनेस चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पॉजिटिवनेस को रोकता है और डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करता है। अब जब भी आप प्रॉपर्टी को पूरी तरह से एनालिसिस करें, यहाँ पे कुछ स्पेशल रेमेडीज़ भी करी हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल पिरामिड रेमेडीज़ भी करी हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हर जगह हर चीज़ तो नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव डन। इसमें ये भी दिखा देता हूँ मैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द यू सी दिस, ओके। अभी आप देख पा रहे हो, एक पिरामिड जो है सीलिंग में लगा हुआ है। सो दीज आर द पिरामिड्स विच आर एनहेंसिंग द जोन्स। जो जोन आपको स्ट्रांगली चाहिए, दैट जोन इज़ गोइंग टू बी एनहेंस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पिरामिड्स। और इंटरेस्टिंगली ये है कि ऐसे पिरामिड्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, एंड हम जो यूज़ करते हैं टोटली सर्टिफाइड पिरामिड्स यूज़ करते हैं, जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और पिरामिड को यूज़ करने के साथ साथ कोई भी चीज़ हम करते हैं, हम स्पिरिचुअली अट्यून करते हैं उन चीज़ों को, स्पिरिचुअली प्रोग्राम करते हैं उन चीज़ों को, और आपके सामने करते हैं, है ना, साइट पे विज़िट करके। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन परचेज करते हो, जो चीज़ हम ऑनलाइन परचेज करके ऐसे लगा दोगे, दे वोंट वर्क। क्योंकि जो भी रेमेडीज़ हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है। और ये एक और एंट्री है, आप यहाँ पे देखो, मैं ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हमने इस एंट्री को ब्लॉक किया है, क्योंकि ये सही जगह नहीं है। और ये पेड़ आप देख पा रहे हो, इस पेड़ के पास भी हमने कुछ रेमेडी करी है, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्थ वेस्ट जोन, और इस जोन को भी हमें प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्ट में लाना होता है। और ये जो एंट्री है, इसको हमने यहाँ पे ट्रीट किया है, ठीक है। तो जब भी आप देखते हैं, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे टॉप फ्लोर पे एक मैं बहुत बड़ा एक डिफेक्ट बताता हूँ। मे बी ये वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इट टू यूट्यूब, ओके। बट द थिंग इज़, देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू इन वास्तु, देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू इन एस्ट्रो वास्तु। और इसमें एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंटली आप लोगों को बताना चाहूँगा,
यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं ठीक है, उसमें एक डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर चलते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, और ये एक बहुत 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 बड़ा डिफेक्ट है। ठीक है, जब भी आप घर बना रहे हैं तो इस तरह की डिफेक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ऐसे करते हैं ये फाइनेंशियली भी आपको इम्पैक्ट करेगा, और ये आपको हेल्थ वाइज भी इम्पैक्ट करेगा घर के अंदर। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये दिस इज़ अ प्रपोज्ड टॉयलेट, और आप देखोगे सच अ ब्यूटीफुल नेचुरल लाइट। लेट मी स्विंग दिस। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये एक साउथ के आसपास में ये टॉयलेट आ रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है अभी मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम। अब आप देखें, दिस इज द प्रॉब्लम। इन्होंने नेचुरल लाइट ऊपर से लेने के लिए इस टॉयलेट को इधर से पूरा खुला छोड़ दिया है, एंड दिस इज अ ह्यूज वास्तु डिफेक्ट, ह्यूज वास्तु डिफेक्ट। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल गलती से भी नहीं करनी है, राइट? तो ये एक छोटा सा आप लोगों को मैंने अंडरस्टैंडिंग दिया हाउ एस्ट्रो वास्तु वर्क, एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क वेरी नाइसली, वेरी इफेक्टिवली, वेरी पावरफुल वे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम आपके वहाँ पे विज़िट करें और आपके फार्म हाउस, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बंगलो, अगर हम प्रॉपर तरीके से वास्तु से अलाइन करें, तो डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहे होंगे। मेरा नाम आचार्य जॉय बनर्जी, मैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, कमेंट्स में कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, सो यू विल एबल टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। हाँ, डेफिनेटली यू नीड टू डू अ प्रायर बुकिंग, क्योंकि शेड्यूल पूरा बुक रहता है, तो यू नीड टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, तो यू नीड टू बुक अ प्रायर थिंग। बट दिस वीडियो इज़ जस्ट टू लेट यू नो हाउ टू डू द वास्तु। और मैं एंट्रेंस दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को, बिकॉज एंट्रेंस एंड ब्रह्मस्थान, दीज आर टू थिंग्स विच आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर मिस आउट टू फिक्स दीज थिंग्स, ओके? और यहाँ पे अभी हम गेट पे भी कलर चेंज करने वाले हैं, जो कि गेट का कलर बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको भी हम चेंज करेंगे, वॉल्स के कलर भी चेंज करेंगे। देर आर सो मेनी थिंग्स विच नीड टू बी डन, राइट? बट सही तरीके से, स्टेज बाय स्टेज, कभी भी मैक्सिमम चीज़ें आपको नहीं कर देना है एक बार में। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसी को सबसे पहले छेड़ते हैं और उसको सबसे पहले फिक्स करते हैं, जहाँ पे तोड़फोड़ नहीं चाहिए वहाँ पे हम तोड़फोड़ नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए पहली बार देख रहे हैं तो, और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए, इसमें आपको कई सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ भी मिलेंगे, और इस तरह के वीडियोज़ आगे भी मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई भी सवाल हो कमेंट्स में आप डालिए, एंड आई एम हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच, सी यू, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।